99 न्यूज़। JFS बिल्डर्स की जानिब से JDC फाउंडेशन को ओल्ड एज होम कायम करने के लिए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में ज़मीन फरहम कर दी गई है। ओल्ड एज होम की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर रुकन कौमी असम्बली आफताब जहांगीर ने कहा कि खिदमत इंसानियत के लिए JDC की खिदमात किसी तारीफ की मोहताज नहीं। असल में तो ये क्रेडिट जाता है जफर को और इरफान वहीद साहब को, क्योंकि ये इन्होंने स्पॉन्सर किया है, जफर इसके वो बना रहा है। जी बहुत शुक्रिया जफर कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। मुझ नाचीज गुनाहगार आदमी के हाथों इसकी इफ्तिताह करवाया, तो मैं तो दिल रात इसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, इसको कामयाबी से मुकम्मल करे। देखें, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को सिर्फ शफकत की निगाह से देख लेना ही, शफकत की निगाह से देख लेना ही हज मकबूल का सवाब है, समझे ना। लेकिन जब कोई दूसरे के माँ बाप को देख अपने पास रखेगा, उसकी खिदमत करेगा, उसको देखेगा, उसका ख्याल करेगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो जो अजर मिलेगा वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अजर मिलेगा। और मैं जो भी इस किस्म के नेक काम है, जैसे अभी इरफान कर रहा है, आपके साथ तआवुन किया है इसने और आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सियासत छोड़कर मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए और अपील करनी चाहिए, तो इरफान जैसे बहुत सारे दोस्त मुझे भी मिलेंगे। तो क्योंकि मैंने जो सियासत कर रहा हूँ, बाखुदा मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इबादत के साथ साथ खल्के खुदा की खिदमत से भी जन्नत मिलती है, उसके असूल के लिए कर रहा हूँ। JFS बिल्डर्स के इरफान वाहिद ने कहा कि जफर अब्बास और इनकी टीम ने इंसानियत के लिए वो काम किए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सर, हमेशा की तरह आपको क्रेडिट जाता है कि आप चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और आप में एक बात है कि इनोवेटिवनेस मौजूद है, चीज़ें आप लेकर आते हैं जो हमें भी अपील करती हैं, तो हम बिल्कुल क्योंकि ये काम अल्लाह के हैं, अल्लाह ही खुद पूरा करवा देता है। इस मौके पर चेयरमैन JDC शेख मोहम्मद हसन और जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास भी मौजूद थे। जफर अब्बास ने JFS बिल्डर्स का शुक्रिया अदा करने के साथ मुखिर हजरात से दरख्वास्त की कि वो इस ओल्ड एज होम की तामीर के लिए JDC का साथ दें। वो बुजुर्ग जो बीमार हैं, जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया है, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, किसी वजह से भी घबरा के इलाज कराने की सलाहियत नहीं रखते थे, खाना नहीं खिला सकते थे अपने वालदैन को और बाहर निकाल दिया किसी बहाने से, उनको JDC ओल्ड एज होम में रखता था। लेकिन आज JDC ओल्ड एज होम फुल हो चुका था, हमने अपील की हमें यतीम खाने और ओल्ड एज होम के लिए मजीद जमीन चाहिए। तो इरफान वाहिद साहब जो JFS बिल्डर वाले हैं, जिन्होंने JDC कोरोना अस्पताल के लिए मशीनों के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी, जिन्होंने JDC फ्री रेस्टोरेंट जो बन रहा है जिसमें मुफ्त खाना खिलाया जाएगा, रोडों पर खड़े होंगे कंटेनर, उसके लिए कंटेनर दिया, वो आज उनकी जानिब से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की जमीन बिल्कुल मुफ्त में दे दी गई है। चारों तरफ घर बन रहे हैं, आबादी है, और मैं एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करूंगा। JFS बिल्डर्स की जानिब से नॉर्थ टाउन फेज 1 में JDC को ओल्ड एज होम के लिए दी जाने वाली जमीन पर संगे बुनियाद रखे जाने वाली तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली आफताब जहांगीर, CEO JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इरफान वाहिद, JDC के जफर अब्बास, सलमान ए सिद्दीकी, डिप्टी जनरल मैनेजर SSGC व दीगर शामिल थे। हमें 26 टन सरिये की जरूरत है, हमें 18,000 ब्लॉक की जरूरत है और हमें तकरीबन 2200 बोरी सीमेंट की जरूरत है। जो लोग अपनी जानिब से, अपने मरहूम की जानिब से प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करना चाहे, हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह अब जो यतीम खाने की जमीन है, सबसे पहले मरहले में हम एक बार फिर JFS बिल्डर वालों के पास जाएंगे मदद मांगने के लिए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमें सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कराची में बिल्डर की कमी नहीं है, आगे बढ़ी। और अस्पताल की जमीन की हमने गवर्नमेंट से अपील की भी है, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें या गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें जमीन दे देगी, हम एक बहुत बड़ा फ्री अस्पताल जिसमें कैंसर, डायलिसिस, हार्ट, तमाम चीजों की, किडनी, हर चीज का मुफ्त इलाज होगा, उसका आगाज कर देंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा।